हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजे। सो आज की वीडियो में हम रिएक्ट करेंगे ब्राउन मुंडे पे, जो है एपी डिल्लो, गुरेंद्र गिल, शिंदा कैलोन। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एपी डिल्लो, गुरेंद्र गिल मेरे मतलब वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स हैं। मतलब इतने ज़्यादा पसंद है ना, सीरियसली तारा मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं दोनों। मतलब उनके उनकी सिंगिंग नेक्स्ट लेवल है, उनका जो स्वैग है वो भी नेक्स्ट लेवल है। मतलब उनका मतलब अलग ही चिल है, उनको सुन के ना अलग ही चिल मिलता है। सो आज हम उनके गाने पर रिएक्ट कर रहे हैं। और हाँ, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट पे मैं रिएक्ट करूँ, तो फॉर श्योर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, फॉर श्योर उस पर करूँगा। सो गाइस, बिना किसी वेट के स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं ये ड्राइवर, ट्रक ये चिल कर रहे हैं। मेरे को ये जो लाइन दी ना, वो दारू चेक कर दे डराउन मुंडे, बहुत मस्त लगी, बहुत मस्त। फिर से सुनता हूँ। दारू चेक कर दे डराउन मुंडे, ब्राउन मुंडे यार। दो मिनट एक चीज मेरे को देखनी है। ये मेरे को किसी सॉन्ग में देखा देखा लग रहा है, मैं आइडिया मेरे को श्योर नहीं मैंने किस सॉन्ग में देखा है। मतलब एक ही दो सॉन्ग में देखा हार्डली मैंने, लेकिन देखा देखा लग रहा है ये बंदा, नाम याद नहीं आ रहा बस। अगर आपको पता है ये कौन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ब्राउन मुंडे अंकल जी गुस्सा है। ओ भाई, सिद्धू मूसे वाला भी इसमें नाम में तो लिखा नहीं, ये सिर्फ वीडियो में मतलब वीडियो फीचर है। सही में मतलब सिंग भी करेगा ये, पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। ये
भाई नैफ भी है। मैंने नैफ के मैंने सॉन्ग सुने तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने सुना इनके बारे में बहुत है कि ये बहुत ज्यादा फेमस है। मेरे ख्याल से ये कैनेडियन है, लेकिन है ब्राउन, मतलब है ब्राउन, ब्राउन ही ये है ब्राउन, लेकिन कैनेडियन है ये। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा फेमस है ये, मैंने इनका ऑल दो कोई गाना सुना नहीं है अभी तक, हाँ बट मेरे को इतना पता है बहुत ज्यादा फेमस है। और मैं सही बताऊँ ना तो इस वीडियो को देख के पता चल रहा है कि एपी डिल्ली और गुरेंद्र गिल इन सब के मतलब कनेक्शंस अच्छे लेवल के हैं। ये छोटे मोटे नहीं है कोई, ये कोई भी उठ के आ गया गाना गाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं लग रहा मेरे को। ये नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ कि मतलब इनके कनेक्शंस क्या हैं, बस मतलब फीचर वीडियो के लिए करा है या सीरियसली एक दूसरे को जानते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ एक चीज़, मतलब एक चीज़ है, मेरे को लगा था कि सिद्धू मूसेवाले का कोई वर्स होगा, बाकी अभी पड़ा है, अभी टाइम पड़ा है, अभी नियरली 1 मिनट पड़ा है, अभी ऑलमोस्ट 1 मिनट पड़ा है। सो क्या पता नैब या फिर सिद्धू मूसेवाले का कोई वर्स हो, तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। मेरे को लगता है कि अब सॉन्ग खत्म होने वाला है, पर कोई नहीं। ये गुस्से में है पिडिलो, अरे अंकल सारे अंकल गुस्से में है। वीडियो पड़ी है खत्म। कौन करना इसमें एपी डिल्लो, वीरेंद्र गिल, शिंदा गैलोन, जी माइनर जो भी है यार, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, मेरे को मतलब कैसे प्रोनाउंस करेंगे मेरे को नहीं पता। मैंने सॉन्ग में शायद जी माइनर ही बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, मैंने बाकी सॉन्ग सुने शायद उसमें जी माइनर बोलते हैं। बाकी नैव है, सिद्धू मूसेवाले की फीचरिंग थी, मनी म्यूजिक, मैंने दोनों का नाम सुना है, स्टील बैंगल्स शायद कुछ सिद्धू मूसेवाले के साथ किसी सॉन्ग में भी है ना, अगर मैं सही हूँ तो मेरे को बताना जरूर आप कमेंट सेक्शन में कि मैं सही हूँ कि नहीं। और शूट एंड साइड वाला है वो मैंने नोटिस करा है, वो हमेशा होते हैं, वो हमेशा मतलब मोस्टली इनकी वीडियो करते हैं शूट, वो डायरेक्ट करते हैं। तो हाँ जी गाइज, नहीं सबसे पहले मैं करूँगा इस सॉन्ग को लाइक। सो गाइज अब डिस्कस करते हैं कि जो सॉन्ग है कैसा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि जो ये वीडियो है, वो ट्रैक है, जो ट्रैक का टाइटल है कि ब्राउन मुंडे, उसको जस्टिफाई करती है कि नहीं करती, और फॉर श्योर करती है, फॉर श्योर। क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्होंने स्टार्टिंग कैसे करी थी, इन्होंने स्टार्टिंग करी थी मतलब उस वाली स्टार्टिंग को, मतलब वो इंट्रो काइंड ऑफ था जो पहले दिखाया था, जो वो पैसे लेकर रहा था ब्राउन मुंडे, वो तो चलो इंट्रो हो गया। आप बता दो स्टार्टिंग कैसी थी वीडियो की, आपने नोटिस करा होगा तो स्टार्टिंग में वो इन्होंने दिखाया कि कैसे जो ब्राउन पीपल होते हैं, मैं जो मेरे को लग रहा है मैं उस बता रहा हूँ, मैं जो मैंने इंटरप्रेट करा इससे, मैं वो बताता हूँ आपको। मेरे को लगा इन्होंने कैसे दिखाया कि जो ब्राउन मुंडे होते हैं, जैसे ब्राउन पीपल होते हैं, बेसिकली ब्राउन पीपल होते हैं, वो कैसे स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते हैं। जैसे इन्होंने दिखाया कि ड्राइवर था, एक ट्रक ड्राइवर था, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे था, एक रेस्टोरेंट में था, और तो हाँ इन्होंने यही सब दिखाया। हाँ मेनली यही जॉब्स करते हैं ब्राउन पीपल। फिर उन्होंने दिखाया कैसे दिखाते हैं कि फिर कैसे वो क्या बोलते हैं, हाँ फिर कैसे ये मैंशन के बाहर बड़ी मतलब ऑसम कार्स में चिल कर रहे हैं, कैसे सोफे बैठ के एकदम मतलब पूरा ड्रिंक व्रिंक करके चिल कर रहे हैं अपना, ये सब दिखाया। हाँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये थी जस्टिफाई करती है, और यही रीज़न नहीं है, और रीज़न बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि देखिए जो नैव है वो है ब्राउनी, ब्राउन पीपल मतलब ब्राउन पर्सन ही है, वो ब्राउन कम्युनिटी को बिलोंग करता है वो। मैं बताता हूँ अगर आपको, आप में से किसी को नहीं पता नैव कौन है, तो नैव मेरे को भी इतना नहीं पता, जितना मेरे को पता मैं उतना आपको बताता हूँ। ये वो एक कैनेडियन रैपर है, इंग्लिश में रैप करता है वो बेसिकली। तो वो मैंने उसको ऑल तो मैंने उसको कोई गाना सुना नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को पता है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, वो USA में बहुत फेमस है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, लेकिन ज़्यादा जो उसकी मेन ऑडियंस है वो मेरे ख्याल से कनाडा और USA में है। तो जैसे इन्होंने नैव को दिखाया वीडियो में, उससे क्या पता चलता है कि कैसे मतलब एक ग्राउंड पर्सन ने पूरे वर्ल्ड में धमाल मचा रखी है, कैसे सक्सेसफुल है कितना। और दूसरा एग्जांपल फिर उन्होंने दिया था सिद्धू मूसेवाले का। अब सिद्धू मूसेवाले का तो हर कोई जानता है, लिटरली पूरे वर्ल्ड में उसका मतलब पूरा वर्ल्ड में उसका शोर है, ये तो है। और हाँ ये भी बताओ आप सबको कि उसका और ड्रेक का जो है कि ड्रेक उसे फॉलो करता है, वो ड्रेक को फॉलो करता है, इनका वो सब भी कुछ वैसा भी सीन है।
हाँ तो मतलब यही सब है कि मतलब तभी मैं कह रहा हूँ यही रीजन है कि ये जस्टिफाई करता है वीडियो को। बाकी आपको क्या लगा कि जस्टिफाई करता है नहीं करता, वो भी आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। और हाँ, अब बात आती है सॉन्ग की। तो सॉन्ग लिरिक्स शिंदा कहलो और सिंगर होनी चाहिए एपी ढिल्लो, गोविंदर गिल। मैं मतलब आंख बंद करके मैं बस कह सकता हूँ कि ये बढ़िया है, मतलब इसको कोई डाउट ही नहीं कर सकता। कोई ऐसा एक अभी तक ऐसा एक कोई पर्टिकुलर सॉन्ग नहीं है जो मैं बोलूँ कि बेकार है। इन तीनों का ऐसा एक भी सॉन्ग नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो मेरे को लगाओ कि ना यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा। इतने ऑसम सिंगर्स हैं यार ये, मतलब मज़ा आ जाता है इनको सुन के। और लिरिसिस्ट इतना बढ़िया शिंदा कह लो, नो डाउट, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये आप ये मत सोचना जो जो अगर कोई पहली बार ने सुना किसी ने से कि ये बहुत पुराने सिंगर्स हैं, ये वो ब्लॉक 2-3 साल हो गए इन्हें, ऐसा कुछ नहीं है। ये न्यू आर्टिस्ट है मेरे ख्याल से, साल मतलब 1.5 साल 1.5 साल पुराने होंगे। और मतलब इन्होंने मेन जैसे बोलते हैं रेगुलर ट्रैक्स थ्रो करने इन्होंने अब स्टार्ट करे हैं, वो भी मेरे ख्याल से इस ईयर से ही करे हैं। मैं श्योर नहीं हूँ, अभी इस ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर ट्रैक्स थ्रो करने अपने। तो उस हिसाब से आप देखें ना तो इनका लेवल ना मतलब कितना बढ़िया है, कितना ऊपर का है कि 2-3 साल पुराने जो सिंगर्स होते हैं ना उनके लेवल का इनका हुआ है। इनका लेवल उतना है कि आप कह सकते हैं कि कोई भी ने फर्स्ट टाइम सुनेगा उसको लगेगा ओ ये तो 2-3 साल पुराने सिंगर होंगे। बाकी ये है कि हाँ हाँ मेरे को पता है कि उनकी एज के हिसाब से भी यंग है काफ़ी, बट मतलब अगर कोई तो ध्यान ना दे एज का तो हाँ वो यही सोचेगा कि तो 2-3 साल पुराने सिंगर हैं, इनको इतना पता है, इतना स्वैग से गाते हैं। भाई मैं बता दूँ कि जो शिंदा कह रहा हूँ ना, जो मैंने चीज़ नोटिस करी है, मैंने चीज़ नोटिस करी है कि इसके जो लिरिक्स होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा सैवेज होते हैं। जब ये लिखता है ना मेरे को ऐसा लगता है कि ना ये कमरा बंद करके अपना सैवेज मोड ऑन कर देता होगा और फिर लिखना शुरू करता होगा। और यही और ये एपी ढिल्लो वीरेंद्र गिल का मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों ना अपने आपको रूम में बंद इन द सेंस अपना रिकॉर्डिंग रूम में जाके, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके अपना पूरा लिरिक्स तो बाहर में जाए एक बार याद कर लिए, बस पढ़ लिए, याद करने की जरूरत नहीं है मेरे को ऐसा लगता है। देखे एक बार फिर अपना बस अपना गाना शुरू कर दिया, चिल करना, चिल करके गाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा मूड में अपना ये है, फन में गा रहे हैं, मतलब ऐसा ही लगता है ये। और मैं हाँ वैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को गुरिंदर गिल बहुत पसंद है, मेरे को उसका स्वैग, उसका गाने का जो वे है मेरे को बहुत सही लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एपी ढिल्लो बेकार है या फिर वैसे, नहीं दोनों टॉप नोच है एकदम, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास है दोनों। लेकिन अगर मैं कोई इनमें से पर्सनली एक इनमें से किसी एक को बोलूँ कि जो मेरे को बहुत पसंद है तो वो गुरिंदर गिल है। आप भी बताना कि आपका फेवरेट कौन है, गुरिंदर गिल, एपी ढिल्लो और शिंदा कहलो भी है, सो बताना ठीक है। और हाँ मेरे को एक चीज़ का ये था कि ना मेरे को था कि सिद्धू मूसेवाला जब नया आया ना मेरे को लगा कि यार इनका भी वर्स आएगा, जैसे आपने नोटिस करा होगा जैसे उसमें आता है ओल्ड स्कूल में, लेकिन ओल्ड स्कूल में ना फिर भी लिखा होता है सिद्धू मूसेवाला कईयों को, मतलब जैसे मेरे को जब मैंने वो पहली बार सुना था ना उसमें सिद्धू मूसेवाला लिखा था, मेरे को लगा था सिद्धू मूसेवाला इसलिए लिखा है क्योंकि उसकी लेवल है, क्योंकि एंड तक तो वो नसीब के पार तक तो वो आ ही नहीं रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, फिर अचानक से आया, मेरे को लगा कि सेम सीन इसमें ना हो। लेकिन नहीं, लेकिन ये नहीं था कि डिसअपॉइंट नहीं करा कि सिद्धू मूसेवाला नहीं आया, ओ ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने बीट को किल करा है पूरा जस्टिक, मतलब इन्होंने पूरा मतलब मर्डर कर दिया था बीट का, पूरा एक नंबर, पूरे लिरिक्स इतने फायर। और हाँ तो अब मैं फाइनल थॉट मेरा इस पर क्या है, मेरा ये है कि मेरे को वीडियो लगी टॉप नॉच, सॉन्ग लगा टॉप नॉच, लिरिक्स टॉप नॉच, सिंगर्स टॉप नॉच, जो इसमें फीचर कर रखे थे बंदे, मेरे को बाकी इन दोनों का नाम, इन दोनों की मतलब फेस याद नहीं। मैं जो आपको बता नहीं रहा था जो एक था कि जो अपने फ्रेंड्स के साथ ही हाथ रख के खड़ा था, वो तो उनमें से एक जो स्टील बैंगल्स होगा या फिर मनी म्यूजिक होगा, ऑल दो मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने किसी एक गाने में उनको देख रखा है, मैं बाकी श्योर नहीं हूँ, अभी भी यही कहूँगा। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे नॉर्मल सॉन्ग्स के मुकाबले अब जब मैं इस पर रिएक्ट कर रहा था तो मैं कितना एक्साइटेड हूँ ना, कितना एनर्जेटिक हूँ। तो ऐसा मतलब होता है ऐसा कि जब मैं इन दोनों को सुनता हूँ ना अपने आप ही एनर्जी पूरी फील आ जाती है कि यस एपी ढिल्लो और गुरिंदर गिल को सुन रहा हूँ, यस इनका सॉन्ग तो होगा ही ऑसम, नो डाउट। और हाँ इन्होंने इस सॉन्ग में मेरे को मतलब मेरे को क्या किसी को भी लेट डाउन नहीं करा, इतना अच्छा सॉन्ग था ये, था कि जो इनकी वीडियो में फीचर हो रहे हैं ना कह सकते हैं कि हाँ भाई टॉप के बंदे हैं ये। मतलब आप सबको देखिए कि मतलब ये नए सिंगर्स हैं लेकिन फिर भी देख रहे हैं लिंक कितने सही हैं कि इनके, कि ये सिद्धू मूसेवाला और नैफ को फीचर कर रहे हैं। अब मेरे को ये नहीं पता कि पेड फीचर था या अनपेड फीचर था, वो मेरे को नहीं पता, बट ये था कि फीचर तो ऑल तो आ ही रहा है ना, वो मायने रखता कि मतलब वो नहीं होता कि पेड है या फिर फ्री है, लेकिन ये है कि हाँ उनकी वीडियो में आ रहा है, मेन ये बात यही होती है। सो गाइज आज का रिएक्शन इतना ही था, मैं होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो गाइज इतनी वीडियो खींची रही है तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का रीज़न क्या है। तो मैं ये चैनल को इसलिए स्टार्ट करना चाहता हूँ कि
मैं एक ऐसी कम्युनिटी डिस्कवर या स्टार्ट कर सकूँ जिसमें जो म्यूचुअल टेस्ट वाले म्यूजिक, जो जिनका म्यूचुअल टेस्ट है म्यूजिक में मेरे साथ का, या फिर मतलब हम सब एक साथ दूसरे को म्यूजिक को सुने, आपस में रिलेट कर सके या फिर डिस्कस कर सके। मैं ऐसी कम्युनिटी चाहता हूँ कि हाँ, मैं जिनको देख के फिर वो मेरे को देख के बोल सके कि हाँ यार, ये बंदा तो मेरे मतलब के गाने सुनता है यार, और मैं भी इसको देख के बोल सकूँ हाँ भाई, इसने करी ना वो बात, हाँ भाई ये मेरे मतलब के गाने सुनता है। तो मैं, मेरा मेन रीज़न इस चैनल को स्टार्ट करने का यही है। सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।